अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय किचन। पहले तो मेरे सारे मुस्लिम फ्रेंड्स को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आज मैं आपके लिए लाई हूँ कलेजी बनाने की रेसिपी, क्योंकि फर्स्ट डे है ईद का, तो हम कलेजी तो ज़रूर बनाते हैं घर में। तो आज ईद के दिन मैं आपको बिल्कुल क्विक सी तवा कलेजी की रेसिपी बताऊँगी। चलें जी, अब हम स्टार्ट करते हैं रेसिपी। एक बड़े साइज़ के तवे पर आपने 3 to 4 टेबलस्पून ऑयल डालना है और उसमें आपने एक बड़ी प्याज चॉप करके डाल देनी है। इसको हमने इतना कुक करना है कि थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन हो जाए। जब प्याज थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हम इसको थोड़ी देर के लिए रिमूव कर देंगे तवे के ऊपर से, और फिर से थोड़ा सा ऑयल ऐड करके हम इसमें 500 ग्राम्स मटन लिवर ऐड कर देंगे, यानी कि हम मटन की कलेजी यूज़ कर रहे हैं, और इसको इतना फ्राई करेंगे कि ये थोड़ा सा कलर चेंज कर ले। 3 से 4 मिनट इसको मैंने फ्राई किया है। अब इसमें मैंने 1.5 चम्मच भर के अदरक लहसुन पेस्ट ऐड कर दिया है। ये बहुत ज़रूरी होता है, इससे जो गोश्त की स्मेल होती है वो अच्छी खासी ख़त्म हो जाती है। अब इसके अंदर मैंने वो जो फ्राइड अनियन थे वो मैंने इसमें वापस से ऐड कर दिए हैं, और अब इसको मैं कुक करती जा रही हूँ थोड़ा मीडियम फ्लेम के ऊपर। 2 से 3 मिनट और हम इसको कुक करेंगे। फ्लेम हमने मीडियम ही रखनी है, स्लो नहीं करनी, क्योंकि कलेजी बहुत जल्दी से गल जाती है। अब इसमें मैं 2 टमाटर हाफ हाफ काट के, 2 ले लीजिए या 1 ले लीजिए, उसको हम इस तरह से साबुत ही रख देंगे और उसको कवर करके थोड़ी देर के लिए स्टीम देंगे। 1-2 मिनट के अंदर ही इसका छिलका बिल्कुल नरम हो जाएगा, आप इसको ईजीली रिमूव कर सकते हैं। देखिए, इस तरह से टमाटर का छिलका बिल्कुल ईजीली निकल आएगा, और अब आप इसी टमाटर को अच्छे से मैश करेंगे और इसी तवे के ऊपर ही कलेजी के साथ कुक करेंगे। अब ये हम तवे पे बना रहे हैं, इसलिए थोड़ा हमें केयरफुली इसको कुक करना होगा, क्योंकि तवे से ईजीली बाहर की तरफ फूड गिर सकता है। अब हम इसमें सॉल्ट डालेंगे 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, और जो चिली फ्लेक्स होते हैं वो भी 1 टीस्पून ऐड कर दूंगी, और हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, 1.5 चम्मच कोरिएंडर पाउडर, और इन सब को अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पर ही हम इसको कुक करेंगे और जल्दी जल्दी भून लेंगे इसको हम। और तकरीबन हमारी कलेजी कुक हो चुकी है, इसमें 1-2 हरी मिर्चें काट के डाल लीजिए। और इसको लेमन स्लाइसेस के साथ सर्व करें। हमारी मज़ेदार सी कलेजी जल्दी से 10 से 15 मिनट में गल चुकी है। उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।